नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे बिलासपुर की खबर से। रोहतक में आयोजित जूनियर नेशनल में हिमाचल प्रदेश के कुश्ती के पुरुष और महिला पहलवान खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि ये पदक अंडर 20 और अंडर 15 फेडरेशन कप 2022 हरियाणा रोहतक में हिमाचल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया था। जानकारी देते हुए कुश्ती संघ के महासचिव जगदीश कुमार ने बताया कि अंडर 15 के अर्शदीप ने 85 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। अंडर 15 महिला में 86 भार वर्ग में प्रेरणा ने स्वर्ण पदक और अंडर 20 महिला में 76 भार वर्ग में कृतिका ने हरियाणा की लड़की को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से सभी विजेता पहलवानों और उनके कोचों को शुभकामनाएं दी गई हैं। जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ आज यहां रोहतक में हमारी अंडर 20 और अंडर 15 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है, उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने भाग लिया और हमारे हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। कई वर्षों के बाद आज इतना बढ़िया बच्चों ने प्रदर्शन किया, जिसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल लेकर के हिमाचल प्रदेश का नाम उन्होंने रोशन किया। आज हिमाचल प्रदेश की हमारी साथ में लड़की खड़ी हुई है कृतिका, इसने 76 केजी भार वर्ग में पूरे भारतवर्ष के पहलवानों को हरा करके आज जो है गोल्ड मेडल हिमाचल प्रदेश के नाम किया है। और एक लड़की हमारी अंडर 15 की लड़की थी, उसने गोल्ड लिया और एक लड़का हमारा 16 साल का बच्चा था, उसने हिमाचल प्रदेश के लिए सिल्वर मेडल लाया और हिमाचल प्रदेश का नाम जो है रोशन किया। हिमाचल प्रदेश के सभी जितने भी कुश्ती प्रेमी लोग हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, हमारी कुश्ती संघ के सभी सदस्यों को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं। और हमारे अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं आगे जो मेजर हमारे टूर्नामेंट आने वाले हैं उस टूर्नामेंट के लिए इनका कैंप लगाया जाए ताकि ये बच्चे जो है अच्छा और परफॉर्म करें। आपकी दौलत आज हिमाचल प्रदेश में सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। सराज विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के सर्कल कार्यालय जंजेली में विभाग के गौहर डिवीजन को जोड़ने के निर्णय के खिलाफ नाचन कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के उपाध्यक्ष ब्रह्मदास चौहान ने धनोटू में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि अगर शीघ्र ही यह अधिसूचना रद्द नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी को मजबूर होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। चौहान ने कहा कि गौहर में जंजेली तक का सफर मंडी और गौहर से भी 2 गुना ज्यादा हो जाएगा, इससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी की गई जिसमें पीडब्ल्यूडी डिवीजन जो गौहर का उसको बदल करके जंजाली में शिफ्ट कर दिया गया है, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जेडीपी रेंज का जो दफ्तर है उसको भी बदल कर जो है कुछ हमारी पंचायतें जो है उसको भी गौर में बदल रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आने वाला जो 2022 का चुनाव है उसमें डर के लगने से जो है उनको ये महसूस हो रहा है कि अब आने वाला जो वक्त है वो भाजपा का जो हटकर के और कांग्रेस का बन रहा है कि हमारे जो लोग जो है उनको जो है गौर से लाव जाकर के हमें जंजाली जाना पड़ेगा और लोगों को सफर करना पड़ेगा, लंबा सफर करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे जो साथ लगती हुई पंचायतें हैं, चाहे हमारी जयदेवी हैं, चाहे बाडू हैं, चाहे हमारी कटेरू है, कुछ ऐसी पंचायतें हैं कि उनको भी काम करवाने के लिए जो है उनको गौर जाना पड़ रहा है। लेकिन दफ्तर बदलने से जनता का भला नहीं होगा। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो स्थानीय विधायक है विनोद कुमार जी वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, उनको फिक्र नहीं है कि नाचन की जनता के साथ क्या भेदभाव हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार दफ्तरों को बदलने हैं बदलने से बेहतर है कि लोगों को अच्छी सुविधा दें। और लोगों को खुशी थी कि जिला मंडी का मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको उम्मीदें थी, लेकिन लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सराज तक ही सीमित है, बाकी जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं
वो उनको दरकिनार करके अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी इन दफ्तरों को बदलने का एक विरोध कर रही है और आगे भी करेगी। और इससे अभी हमने पिछले कल हमने गोहर में जो है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले हमने एक विरोध भी प्रदर्शन किया और हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन अगर सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लेते तो हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी इसका कड़े शब्दों से विरोध करेगी और सड़कों में उतरकर धरना प्रदर्शन भी करेगी। बिलासपुर में युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। भूख हड़ताल का पांचवा दिन है और युवा कांग्रेस ने जहां पर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग का पुतला दहन किया है, तो पुतला दहन करते समय युवा कांग्रेस और पुलिस में आपस में झड़प हो गई। वहीं युवा कांग्रेस ने जताया कि जब तक क्षेत्रीय अस्पताल में MD मेडिसिन और रेडियोलॉजिस्ट का पद सूचित जो है नहीं किया जाता, तब तक अपना धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रखेंगे। बिलासपुर युवा कांग्रेस पिछले लगातार 5 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठी हुई। जो हमारी मुख्य मांगे हैं, सबसे पहली हमारी मांग है कि जो क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर है, पिछले 2 से लेकर 3 वर्षों से जो MD मेडिसिन का पद रिक्त चल रहा है, उसको भरने के लिए हमारी पहली मांग है। जो दूसरी मांग है, जो हमारा क्षेत्रीय अस्पताल है वहाँ पर पिछले कई दिनों से अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट का पद यहाँ पर काफी समय से खाली चल रहा है। इसको लेकर हम लगातार संघर्षरत है। 5 दिन होने को आज 5वां दिन चल रहा है भूख हड़ताल का, पर ना तो प्रदेश सरकार की तरफ से ना ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आज अभी तक हमारे सामने आई है। आज युवा कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर हमने जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, इन सब का पुतला यहां दहन किया है। और मैं कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं प्रदेश सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को, देखिए साहब, डरने वालों में से तो हम हैं नहीं है। किसान आंदोलन का आपको पता ही होगा, दूसरा आंदोलन यहां पर चल रहा है। किसान आंदोलन के बाद अगर आंदोलन कामयाब होगा तो युवा कांग्रेस बिलासपुर का आंदोलन कामयाब होगा। कड़े शब्दों में चेतावनी है कि जल्द से जल्द MD मेडिसिन के पद को भरा जाए, साथ के साथ रेडियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति की जाए, गरीबों का शोषण बंद किया जाए, अन्यथा हमारी क्रमिक भूख हड़ताल लगातार जारी रहेगी, चाहे चुनाव भी खत्म हो जाएंगे। जिला मुख्यालय धर्मशाला में जिला कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल द्वारा पोंग बांध विस्थापितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु वेब पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि पोंग बांध विस्थापितों को विवाह, मकान की मरम्मत, शिक्षा और चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है और पोंग बांध विस्थापित पोर्टल साइट पोंग डैम विस्थापित MIS का विधिवत प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिला का दौरा किया। इस दौरान CM ने रेणुका जी में प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर पड़ती जा रही है और पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस से तंग आकर पार्टी का साथ छोड़ने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के अस्तित्व में आने के बाद सभी सरकारों ने प्रदेश की मजबूती के लिए कार्य किए, मगर इन कार्यों में भाजपा सरकार का अहम योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष गठन के पूरे होने पर जहां पूरे प्रदेश भर में हम समारोह कर रहे हैं, आज रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमने यहाँ कार्यक्रम किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ, गर्मजोशी के साथ लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया और वहाँ इस क्षेत्र के विकास के लिए 5.5 वर्ष के कार्यकाल में जो हम कर सकते थे वो हमने किया है।
और ये भी मैं कह सकता हूँ कि पिछली सरकार की तुलना में और बेहतर किया है। चाहे अपनी पार्टी का विधायक हो चाहे दूसरी पार्टी का विधायक हो, हर क्षेत्र में जहाँ विकास की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने की हमने कोशिश की है और उसी के अंतर्गत इस विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे विकास के कार्य हमने पूर्ण किए हैं, बहुत सारे विकास के कार्य हमारे प्रगति पर हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पूरा देश मजबूती के साथ आगे बढ़ कर के अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, वहाँ हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के भी अस्तित्व के यानी कि गठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी हमने तय किया है कि हम सभी विधानसभा क्षेत्र में 75 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। आजाद हिंदू क्रांतिकारी पार्टी भी प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में मैदान में उतरेगी और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख समस्याओं को लेकर जनता से अपना समर्थन हासिल करेगी। ये जानकारी पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोहर शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भोले भाले लोगों को आज तक बड़ी पार्टियां मूर्ख बनाती आई हैं और प्रदेश के लिए विकास करने की बजाय अपना विकास पर उनका कोई ध्यान नहीं है, जिसको लेकर अब प्रदेश की जनता को सचेत होने की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया है यदि प्रदेश की जनता आज़ाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी को अपना समर्थन देती है तो हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की जनता की भावनाओं और ज़रूरतों के अनुसार चलाया जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को आज अपनी पार्टी की सख्त आवश्यकता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो है आज़ाद हिंद क्रांतिकारी पार्टी 68 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी इस बार, और साथ में हमारी रणनीति रहेगी कि हम जो है सत्ता में आते हैं तो ओपीएस बहाल करेंगे और जातिवाद को समाप्त कर हम आरक्षण जो है गरीबी के आधार पे करेंगे। साथ में जो भी हमारे यहाँ जो नौकरियाँ हैं सभी सुचारू रूप से की जाएंगी, सभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को और सभी जितने भी विभाग हैं सभी को रेगुलर किया जाएगा और साथ में उन्हें पेंशन भोगी बनाया जाएगा। 2003 से जो है पेंशन बहाल की जाएगी, इसकी एवज में हमारे विधायक और सांसद पेंशन नहीं लेंगे। साथ में आज हमने कुछ और चीज़ें हैं जो समय अनुसार हम आपको रखते रहेंगे। आज हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए हैं कैप्टन राकेश कुमार जी, जिन्हें हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साथ में हम घुमारवीं विधानसभा से मैं अपना सभी की सहमति से अपना नाम जो है विधायक के लिए रखा है और मैं यहाँ घुमारवीं विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और जनता से भी अनुरोध है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि हम अपने मुद्दों को लेके बाहर आ सके। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में ग्रामीण समारोह में रामेश्वर सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने राकेश शर्मा, कर्नल राजेश कुमार शर्मा और डॉक्टर नैन सिंह को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने कार्रवाई का संचालन किया। इस मौके पर विधायकगण, मुख्य सचिव आरडी धीमान और तमाम नेतागण जो हैं वो भी मौजूद रहे। मुझे जो ईश्वर ने और हिमाचल की जनता ने मौका दिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस विश्वास पे खरा उतरूं। मैं पहले जाके कमीशन की क्या वर्किंग है, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया है, उसको समझने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आपकी जो भी प्रश्न होंगे और क्वेरीज होंगे उनका पूरा उत्तर दूंगा। अभी मेरी यही कोशिश रहेगी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से, ताकि लोगों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा ना हो, कमीशन की जो भी प्राथमिकता है उनको पूरा करने की कोशिश। मेरी ओर से सभी चेयरमैन और सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिमाचल प्रदेश बेहतर ढंग से काम कर रहा है। पिछले कई वर्षों से बहुत सारी जो रिक्तियाँ हिमाचल प्रदेश में रहती हैं पदों को रखने की दृष्टि से, उसके लिए बहुत सफलतापूर्वक एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। 3 दिन के बाद यातायात के लिए बहाल किया गया कंडवाल स्थिति चक्की सड़क पुल लगभग 27 घंटे के बाद NHAI की रिपोर्ट पर प्रशासन ने बंद करवा दिया है। बारिश से पानी का बहाव बढ़ जाने के कारण पुल की सुरक्षा को लेकर कांगड़ा और पठानकोट के उपायुक्तों को मेल करके तुरंत प्रभाव से चक्की पुल पर यातायात बंद करवाने को कहा गया है। पिलरों को सुरक्षित करने के लिए मशीनों से पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। SDM रोहित राठौर ने कहा है कि पानी को डाइवर्ट करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आर्मी की सहायता भी ली जा रही है और ऐसा अनुमान है कि कुछ दिनों तक पुल यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाएगा।
देखिए जो NH-154 है, आपको मालूम है कि चक्की खड्ड के ऊपर एक जो हमारा रोडवे ब्रिज है, उसके जो पियर 1 पियर 2 है वहाँ पे अभी हाल ही में जो भारी बरसात हुई है उसके नीचे जो सॉइल इरोजन की वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और भी ज़्यादा चांसेस हैं उसको सॉइल इरोजन के, तो जिसकी वजह से खतरा जो है उसमें हो सकता है। और आशंका ये भी NH द्वारा व्यक्त की गई, NHAI अथॉरिटीज़ द्वारा, कि अगर वो लगातार भूमि कटाव चलता रहा तो उसकी वजह से जो ब्रिज के जो पियर्स हैं वो नीचे गिर सकते हैं, जैसे कि रेलवे ब्रिज में ये देखा गया था। इसके लिए जो है बहुत ही वॉर फुटिंग के ऊपर अभी कार्य आरंभ कर दिया गया है, और NHAI ने स्पेशली रिक्वेस्ट भी किया है 21 सब एरिया पठानकोट आर्मी अथॉरिटीज़ को, और जिसकी कॉपीज़ जो हैं लेटर के माध्यम से हमें भी प्राप्त हुई है, और हमने भी जो है आर्मी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी मैन और मशीनरी जो है इमीडिएटली डिप्लॉय करें, और जो कि उन्होंने लगभग अपनी मशीन्स अपने पूरे के पूरे जितने भी उनके इंजन सर्विसेज के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको उन्होंने डिप्लॉय किया है वहाँ पे, और NHAI के साथ आर्मी अथॉरिटीज़ भी जो है लगातार उस पर कार्य कर रही है। गुरिल्ला संघ की बैठक ढालपुर कुल्लू में आयोजित हुई, जिसमें कुल्लू और लाहौल के सैकड़ों गुरिल्लाओं ने भाग लिया है। यह बैठक जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह राणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई और अखिल भारतीय गुरिल्ला संघ के अध्यक्ष प्रीतम सिंह राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए चेयरमैन प्रीतम सिंह राठौर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरिल्लाओं के हक में फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को कहा है कि गुरिल्लाओं के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी कुछ ना कुछ नीति जरूर बनाए। उन्होंने कहा कि ये उनकी पहली जीत है और अब 27 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि इस दिन कंपिटेंट अथॉरिटी को पॉलिसी पेश करनी होगी और हमें उम्मीद है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भारतीय किसान संघ के द्वारा किसानों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि डीसी कार्यालय के बाहर भी किसानों की समस्याओं को लेकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भारतीय किसान संघ ने मांग रखी कि अब फसलों की लागत का खर्च किसानों को अधिक हो रहा है और उससे अधिक मूल्य भी किसानों को मिलना चाहिए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भारतीय किसान संघ जिला कुल्लू के अध्यक्ष कृषि राज राणा ने कहा कि आज के समय में फसलों की लागत बढ़ गई है और उसके बाद मंडियों में किसानों को उचित समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते देश भर में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के रेणुकाजी प्रवास को लेकर रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार ने सरकार को जमकर घेरा और कार्यक्रम को लेकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर रेणुकाजी पहुंचे थे, जिसको लेकर स्थानीय कांग्रेस विधायक ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक खर्चीले मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। गठन दिवस को लेकर फालतू खर्च किया जा रहा है। कार्यक्रम में सरकार की बसें लगाई गई हैं, जिसके चलते कई रूट प्रभावित हुए हैं। विनय ने कहा है कि सरकार को अपने बीते वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री ने इन विषयों पर कोई भी बात नहीं कही है। आप यहाँ रेणुका जी में आए, आपने बीडीओ ऑफिस की घोषणा की, आपने क्यों नहीं बात की? आपने यहाँ बस स्टैंड की घोषणा की, आपने क्यों नहीं बात की? आपने कॉलेज की बिल्डिंग की बात क्यों नहीं की? आपने जो 4 साल पहले यहाँ शिलान्यास किया था इस डबल लेन पुल का, जो ग्रीन नदी पे बन रहा है, आपने उसकी बात क्यों नहीं की? कहाँ गया वो पुल? क्यों नहीं बना आपके पाँच साल के कार्यकाल में? तो आपने विकास की यहाँ कोई बात नहीं की, झुनझुना पकड़ा दिया। आप अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मंडी में क्या हुआ और कांगड़ा में क्या हुआ, उससे सिरमौर की जनता ने क्या लेना? आप ये बताइए, आपने हाटी पे कोई बात नहीं की है? आपने कर्मचारियों पे कोई बात नहीं की? OPS पे आपने कोई बात नहीं की? उनके भत्तों पे आपने कोई बात नहीं की? आपसे मिलने यहाँ SMC के लोग आए, उनकी आपने बात नहीं सुनी? यहाँ डैम ऑस्टीज आपसे मिलने आए, उनके बारे में आपने कोई बात नहीं की? तो आपने आपका जो ये उत्सव है, जो आप 75वां आज़ादी का उत्सव और सरकारी पैसा जो आपने दुरुपयोग किया है, उसके लिए मैं आपको वाहवाही देता हूं कि आप बहुत बड़े खर्चालू मुख्यमंत्री है,
और आपने प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया है। आप कर्जा लिए जा रहे हैं, आप लोन लिए जा रहे हैं और आप अपने ऐशो आराम पे खर्च कर रहे हैं। आपके 18-18, 20-20 लाख के टेंट लगते हैं, आपके लिए 60-60 बसें जो है वो महिलाओं को लेके आती है और उन महिलाओं को आपने 1 रुपये तक नहीं दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।